मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहले अचानक से विशेष सत्र बुलाया जाता है, फिर ये सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है इसे लेकर भी सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। अब विपक्ष मोदी सरकार पर इसे लेकर लगातार हमलावर है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार विशेष सत्र बुलाने का एजेंडा बताए। इसे लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें स्पेशल सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस विशेष सत्र के पांचों दिन सरकारी बिजनेस के लिए एलोकेट किए गए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर एक एक कर 9 सवाल दागे हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने चिट्ठी में बताया कि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, मणिपुर, MSP समेत 9 मुद्दों पर चर्चा चाहता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश और रल्लन सिंह ने भी बिना एजेंडा बताए विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा सुनिए। शाम को कांग्रेस संसदीय दल की जो रणनीति का एक ग्रुप है, स्ट्रेटेजी ग्रुप है, उसकी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हमारे संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मौजूद थे और उसमें लंबी बातचीत हुई कि ये जो 5 दिन का विशेष सत्र आने वाला है 18 तारीख से, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद में कल रात को 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई अपने घर में। 8 बजे रात को सारे जो फ्लोर लीडर्स हैं इंडिया पार्टी के, लोकसभा में और राज्यसभा में, सारे फ्लोर लीडरों की बैठक हुई और उस बैठक में भी चर्चा हुई कि ये विशेष सत्र में इंडिया पार्टी की ओर से क्या रणनीति होनी चाहिए। और ये तय हुआ कि हम ये सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये मौका है हमारे लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अलग अलग पार्टियां अपने मुद्दे उठाएंगे। हालांकि समय सीमित है 5 दिन के लिए और ये भी तय किया गया कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री को एक खत लिखेंगी और जो बातचीत हुई है इंडिया पार्टी के बैठक में, कांग्रेस संसदीय दल के बैठक में, उस बातचीत से जो निकला है, जो आम सहमति बनी है, वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगी। जब स्पेशल सेशन का अभी पहले एजेंडा तो बताएं, ऐसा कहीं आज तक हुआ है कि सेशन बुला लिया गया हो और उसमें क्या बहस करने वाले हैं ये किसी को पता ही नहीं है, किसी सांसद को? ऐसा कहीं आज तक लोकतंत्र, ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से बुलाया गया 5 दिनों का ये विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष इस सत्र को बॉयकॉट कर सकता है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम संसद के विशेष सत्र का बॉयकॉट नहीं करेंगे क्योंकि ये मौका है विपक्ष अपने मुद्दे उठाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।